इंडिया के महाराष्ट्र के मुंबई में बड़े पैमाने पे मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी बनाई जा रही है। आज बात करेंगे रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी साहब से, रफ़ी साहब के कुछ किस्से उनकी ज़बानी सुनेंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आपको पूरी दुनिया ने प्यार दिया है, शाहिद भाई को भी पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल लेवल पे चाहा है, प्यार किया। आज रफ़ी साहब की याद में बरसी मनाई जाती है और काफी प्यार मिला है। आप जिस तरह से किससे कुछ सुनना चाहिए हमारे बात की दुआएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और जिस तरीके से मोहब्बत मिली है मेरे वाले साहब से, उसका बहुत शुक्रगुजार है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे और ये मोहब्बत जो है बढ़ती जा रही है काफ़ी, और ये मुझे मतलब मैं फखर के साथ कह सकता हूँ कि मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप रफ़ी साहब की मतलब अपना जैसे आप कहा पहले, अगर ऐसा है तो फिर मैं यही चाहूँगा कि मेरे यही माँ बाप हमारे दर्शन में एक किस्सा बता दीजिए। किस्से तो बहुत है, मतलब बहुत दयालु इंसान थे, बहुत ही मतलब नेक दिल इंसान थे। कभी अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया, जब भी कोई आता था घर पे तो कुछ ना कुछ मतलब अपना भर के जाता था। तो ये बात थी उनमें, मतलब ऐसा था कि वो दुनिया जानती है उनके बारे में कैसे। हमारे इतिहास के लिए आप दुआएं दी। हाँ इतिहास, हाँ बहुत बहुत मुबारक भाई, और अपनी शुभकामनाएं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और ऑल द बेस्ट आपके इतिहास के लिए। इस वक्त हमारे साथ सलीम शेख जी हैं, मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े शो करते हैं। और रफ़ी साहब अगर दुनिया में होते तो इस वक्त उनकी उम्र 100 साल होती, 100 साल की बरसी पूरी दुनिया में बनाई जा रही है। सलीम शेख जी, आपके दिमाग में कैसा है कि रफ़ी साहब की बरसी बनाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में? देखिए रफ़ी साहब की बरसी तो हर साल सब लोग मनाते हैं, लेकिन 100 ईयर की जो मुहिम जो चल रहे हैं जी, तो रफ़ी साहब म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट जी, उसमें फोजल रफ़ी जो उनके पोते हैं, उनकी बहू फिरोज रफ़ी जी, ये सब मिल के और पूरी टीम मिलकर सब लोगों ने ये तय किया कि 100 ईयर जो है वो इसको बरसी के साथ साथ मनाया जाए। रफ़ी साहब के बरसी के मौके पे सनी सिंह जी आए हैं, जो तो गाते हैं रफ़ी साहब को भी, लेकिन मुकेश जी की भी बहुत बड़े चाहने वाले। आज हम इनसे सुनेंगे रफ़ी साहब को आप कितना चाहते हैं और आपको कैसा गाना गाने का शौक ज़्यादा हमारे इंडिया के जाने वाले आप करना चाहते हैं? आवाज़ आपकी माशाल्लाह मुकेश जी से छूटी आपको। थैंक यू सो मच रफ़ी जी, लेजेंड्स के लेजेंड्स रहे हैं, हमेशा हमारे साथ रहे, आज रहे और हमेशा रहेंगे। आज उनके सपुत्र शाहिद भाई हमारे साथ में लीड सिंगर है और उनके साथ में उनके सॉन्ग्स जो रफ़ी जी के सॉन्ग्स में जो मुकेश के पार्ट है, लेकिन 4 सॉन्ग थे जहाँ पर मुकेश के पार्ट है, वो मैं आज गा रहा हूँ शाहिद भाई के साथ। और मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आया, एक समय में बहुत मज़ा आया और आज भी उससे ज़्यादा मज़ा आया। और मुकेश जी के एक लाइन आप सुनेंगे? ये पहला ही गाना हमारा जो आखिरी यार मुझे लोग करते हैं, जो मैं शाहिद भाई के साथ गा रहा हूँ। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्म वीर की जोड़ी। शुक्रिया सर जी। ये बताइए कि आप जो गाते हैं, अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपकी आवाज़ छुई है, तो आप इतनी सारी वगैरह बताइए जो आपको कांटेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, मेरा सनी सिंह का यूट्यूब चैनल है और उसके साथ में मेरे ईमेल आईडी भी है, मैं डेफिनेटली आपको इसको व्हाट्सअप करूँगा, आप पोस्ट कीजिए। और मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 9869261458।
सनी जी की आवाज़ बहुत अच्छी है, आने वाले वक्त में हम मुकेश जी के बारे में जब इंटरव्यू करेंगे तो सनी जी का एक बार फुल कॉन्टेक्ट करके आधे घंटे का इंटरव्यू आपको सुनाएंगे। हमारे साथ मुकेश पंचोली है, भले ही नाम मुकेश है लेकिन रफी साहब के बहुत बड़े चाहने वाले हैं और रफी साहब को गाते हैं और इनके पकड़ में इतने लोग हैं कि आप इनकी ज़बान सुनेंगे, इनकी गाने के बोल जो होते हैं इनकी ज़बान आप सुनेंगे हमारे इंडियाज के मध्य से। आप किस तरह से रफी साहब को चाहते हो और आपको शौक कब से ज़्यादा गाना गाने का? गाना गाने का शौक तो मुझे बचपन से था जी, मैं फिफ्थ क्लास में था तब से ही और रफी साहब को तभी से मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, गाने लगे हैं उनको 2000 के बाद। तो आप रफी साहब का एक गाना गुनगुनाएंगे जो आपको मन पसंद है? वैसे तो बहुत सॉन्ग है रफी साहब के, लेकिन मैं आज जो परफॉर्म करने वाला हूँ वो सुना देता हूँ। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया रफी जी, आप इस तरह से गाते रहे, रफी साहब को याद करते रहे, आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा बड़े इंडिया के जब से आपको भी देखते हुए आए। जाए तो मेरा पूरा बचपन उनके गानों में, गाने सुनते सुनते भी बहुत गाने उनके गाने गा कर सीखे हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जाने माने सिंगर है सलीम उस्ताद जी, लोगों को गाना सिखाते हैं, रफी साहब का कई गाना उन्होंने गाया है अपने अंदाज में, हम आपको उनकी ज़बानी पर रफी साहब के गाने सुनाना चाहेंगे। रफी साहब की बरसी चल रही पूरे महाराष्ट्र में जोरों शोर से, जुलाई का महीना बरसी मनाया जाता है, आप भी एक क्लासिकल सिंगर है और लोगों को गाना सुनाते हैं, रफी साहब को आप जुलाई के महीने में किस तरह से याद करते हैं? रफी साहब को तो हम लोग हमेशा ही याद करते हैं, हमको कोई भूल सकता नहीं है, वो एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने हम लोगों के रोजी रोटी का एक जरिया बनाया है, आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके गाने, हम लोगों के गाने सिखा के गाने गा के अपने बच्चों को हम आज पाल रहे हैं, उनको कोई भूल सकता नहीं है। कुछ गाने रफी साहब के गा के हमारे दर्शकों को सुनाएंगे आप? रफी साहब का एक गाना मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे दिल से सितम गए, तूने अच्छी दिल लगे के है, के बन के दोस्त अपने दोस्तों से दुश्मन के है, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती कोतर से, मुझे गम देने वाले तू खुशी कोतर से, मेरे दुश्मन बहुत खूब तू फूल बने पतझड़
खड़का तुझ पे बहार ना आए कभी मेरी इतरा तू तड़पे तुझको करार ना आए कभी तुझको करार ना आए कभी जिए तू इस तरह के जिंदगी को तरसे मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे मेरे दुश्मन बहुत बहुत शुक्रिया सलीम उस्ताद जी। मैं हमारे साथ इस वक्त जाने माने जानी महमूद एक्टर जी हैं जो उन्होंने कई पिक्चरों की कई ड्रामा की है। आज रफी साहब के बस्सी में पहुंचे हैं, बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र में बस्सी मनाई जा रही है। आप रफी साहब के चाहने वाले हैं और आपने पुराने गाने बहुत सुने हैं और आपके करीब एकदम रफी साहब है और सोते सोते आपके बच्चे ने बताया कि आप रफी साहब के गाने बोल सकते हैं। रफी साहब के हम लोग बहुत फैन हैं वैसे और इतने गाने सुनते थे हमारे गाँव में ये वो होता नहीं ग्राम पंचायत का तो वहाँ पर सब लोग गाने सुनते थे। गाने सुनते तो रफी साहब के गाने जब हम लोग सुनते थे तो हमको स्कूल के अंदर टीचर मिसाल देते थे जी। जैसे अल्फाज के माने बोले जो होते हैं जो जो भी शब्द है वो जी वो बोले अपने जन्म अपने फीलिंग लेके अपने जज्बात लेके पैदा होता है। और रफी साहब को सुनो बोले देखो क्या वो अल्फाज बोल रहे हैं, बोले हम लोग गलत बोलते थे, टीचर लोग मिसाल देते थे। तो जानी भाई आप रफी साहब के गाने सुनाएंगे क्या बात है? बोलते रहे यकीन यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे यकीन कितना उनके। तो जो भी अल्फाज होते हैं जो जितनी भी जो भी भाषा के अल्फाज है वो अपने जज्बात लेके पैदा होते हैं, फीलिंग लेके पैदा होते हैं। रफी साहब वो अल्फाज को परफेक्ट ढंग लगता है कहाँ क्या है, जैसे कि हमने बोला ऐसा दूर पहला दूर दूर ऐसा दूसरा दूर ऐसा दूर तो ऐसे बहुत से जैसे कि इश्क इश्क बोलते तो इश्क का यहाँ तो आज के तारीख में उनको बोलते नहीं आ रहे, बुजुर्ग डायरेक्टर निकाल पा रहे हैं उनसे इश्क कर रहे हो, यानी कि वो अल्फाज मुर्दा है जिंदा नहीं है उसके अंदर रूह नहीं है। रफी साहब की जो गाने हम सुनते छूते किस लिए वो लोग ऐसे नाच वाच के नहीं गाते थे, आपने देखा मैंने उनके रफी साहब के गाने गाने गाते हुए देखा वो जंगली कहे चाहे कोई भी जंगली कहे तो कैसे गा रहे हो चाहे कोई मुझे चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो तो फीलिंग से गा रहे ना कहने दो कहे। हाँ अभी जैसे गाना अलग गाना है अलग टाइप का गाना है हाँ हम कान में सुनते थे कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोट अभी नाच नाच के गए रफी साहब कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके वो तेरा अब वो क्या झटके तेरा वो ऐसा लग रहा है वो नहीं निचल गा रहे हैं। ये जानी महमूद एक्टर थे, हाल ही में इन्होंने बहुत पिक्चरों में काम किया है, गोविंदा जानी लेवल पिक्चर का चांद का निभाया था इन्होंने और लोगों ने इनको सराहा था। सुनील जी हैं बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े जगह पे इनकी मार्केटिंग होती है और कई फिल्मों की इन्होंने मार्केटिंग की। सुनील जी आज रफी साहब के बस्सी के मौके पर पहुंचे हैं, रफी साहब को किस तरह से याद करते हैं? आप तो उनका गाना भी सुना है लोगों ने सराहा भी है पूरी दुनिया को सराहती है, आप किस तरह से याद करते हैं? आर्ट मीडिया एडवर्टाइजिंग से है पूरी मुंबई में हमारे बोर्डिंग बोर्ड से आज काफ़ी बॉलीवुड पिक्चर से हम जुड़े हैं काफ़ी प्रोग्राम से हम जुड़े हैं। यहाँ आने का खास मकसद था हमारे घर की घर के जो जितने भी लोग हैं वाइफ हैं हमारे बिल्डिंग्स में हैं सराउंडिंग्स में जितने भी दोस्त हैं रफी साहब का प्रोग्राम जैसे मैंने उनको बताया कि यहाँ हो रहा है घर पर हम सबके साथ हम आए बड़ी खुशी से आए। और हमारे दौर के पहले के हैं रफी साहब, हमारे दौर जो 90s 2000 का था उसके पहले के थे लेकिन उनके गाने आज भी हम सुनते हैं या कोई भी सुनता है तो दिल खुश होता है। आज यहाँ पहली बार रफी साहब का प्रोग्राम अटेंड करने आया और दिल से खुशी है। थैंक यू। रफ़ी साहब के चाहने वाले जमाल चौधरी जी मुंबई में रहते हैं और जहाँ भी रफ़ी साहब का प्रोग्राम होता है पहुँच जाते हैं, खाली मालूम होना चाहिए रफ़ी साहब को आप कैसे चाहते हैं और पूरी दुनिया चाहती है, आप अपने दिल की तरफ से बताइए किस तरह से चाहते हैं? रफ़ी साहब के लिए तो कोई अल्फाज नहीं मिलते, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है बस मैं दौड़ा चला आता हूँ और मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ पहले से ही गूंजती रहती है बचपन से ही और अभी तक वो आवाज़ कानों में। शुक्रिया। हमारे साथ शब्बीर शेख जी फॉर्च्यून लाइफ लाइन के मीडिया की जो कवरेज होती है मार्केटिंग होती है वो करते हैं, फिल्म की भी मार्केटिंग करते हैं, रफी साहब के बहुत बड़े चाहने वाले हैं, रफी साहब से मुलाकात भी एक जमाने में उन्होंने किया था शब्बीर जी।
रफ़ी साहब के साथ मैंने मराठा मंदिर में शो किया था, जॉनी विस्की, महमूद भाईजान और रफ़ी साहब। रफ़ी साहब दो गाने के लिए आए थे, जब उनको मालूम पड़ा कि डोनेशंस प्रोग्राम है तो 4.5 घंटा रेगुलर वो गाते रहे। जब तक वो गाते रहे टाटन बंद नहीं हुआ। उस वक्त में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया मिला के 2.5 लाख रुपया स्टेज पे लोगों ने उड़ाया था रफ़ी साहब के लिए, और एक फ्लोर बना अंजुमन मुफीदुल इत्तेमा का बन गया। जी शुक्रिया शबीर भाई। I'm